दोस्तों, जब Realme 3 लॉन्च हुआ तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे Realme 3 Pro का भी लीक्स निकलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब यहाँ पे Realme 2 लॉन्च हुआ था तो Realme 2 Pro जल्दी ही आ गया था। तो कैसे इसे कंफर्म होता है कि Realme 3 Pro लॉन्च हो जाएगा 20 तारीख अप्रैल को, तो कैसे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस फोन के लीक्स एंड ग्रूमर्स के बारे में जो यहाँ पे लिस्टेड हो चुका है गैजेट 360 पे। तो कैसे अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो कैसे अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि गाइस ये फोन बीट करने वाला है Redmi Note 7 Pro को। तो गाइस, इस फोन का भी डिज़ाइन होने वाला है Redmi Note 7 Pro की तरह ही, और इस फोन में भी आप लोगों को रेयर के साइड में ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा जहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्टेड रहेगा। तो बात कर लेते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 6.3 इंचेस का रेशियो आप लोगों को इस फोन में देखने को मिल जाएगा, और इस फोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलने वाला है। तो गाइस, जैसे कंफर्म होता है कि इस फोन में आप लोगों को सुपर एमोलेड का पैनल मिल जाएगा। तो गाइस, बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को 710 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो ओवरऑल बहुत ही अच्छा चिपसेट होने वाला है, और इस फोन में आप लोगों को 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे सबसे टॉप एंड वेरिएंट होने वाला है, और इस फोन का प्राइस होने वाला है 13,999 रुपया। तो गाइस, ये फोन बजट रेंज में आने वाला है। तो गाइस, बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि फ्रंट में आप लोगों को 25 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा, और रियर के साइड में आप लोगों को मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का। तो गाइस, यहाँ पे लीक्स एंड ग्रूमर्स के हिसाब से फोन का इतना ही लीक्स निकल के आ रहा था कैमरा के बारे में। तो बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को बैटरी देखने को मिल जाएगा 4500 mAh का बैटरी, और यह फोन फास्ट चार्जर का सपोर्टेड है, और इस फोन में आप लोगों को कंफर्मली टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बात कर लेते हैं इस फोन के फिंगरप्रिंट के बारे में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रियलमी का पहला फोन है जिसमें आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइसेस के बारे में। तो गाइस, इस फोन का प्राइस होने वाला 13,999 रुपया, क्योंकि यहाँ पे जब Realme 3 लॉन्च हुआ तो Realme 3 का भी कम प्राइस था, और ये फोन बीट करने वाला है Redmi Note 7 Pro को, तो Redmi Note 7 Pro का भी बहुत ही कम प्राइस था। तो गाइस, बात कर लेते हैं इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइस, ये फोन लॉन्च होने वाला है 20 अप्रैल 2019 को। तो गाइस, यहाँ पे कंफर्म होता है कि एक या दो हफ्ते में ये फोन लॉन्च हो जाएगा इंडियन के मार्केट में। तो गाइस, मेरा ओपिनियन मानिएगा तो थोड़ा सा वेट कर जाइए इस फोन के लिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं कोई फोन तो ये फोन आप लोग के लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस फोन में आप लोगों को 710 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप गेमिंग खेलते हैं तो आपके लिए फोन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग से इतना ही। सर का नाम था आयोब, का आपको वीडियोस पसंद आया। तो गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो कर दिया लाइक, चैनल को कर लिया सब्सक्राइब, और एक कमेंट करके आप जरूर बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, मैं मिलता हूं मेरे को लेटेस्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।